डियर स्टूडेंट, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स में पास्ट टेंस के फॉर्म्स स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे जिसका एक्टिव वॉइस फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और बाई के बाद सब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेड फुटबॉल, जिसमें फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल वॉज प्लेड बाई हिम, ही का हिम होगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले। अब पास्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सिमिलरली आगे आएगा, डिड की जगह वॉज और वेयर, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूजुअली होता ही है और बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, पिछले सेंटेंस की तरह फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा वॉज नॉट प्लेड बाय हिम, डिड का वॉज हुआ और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड किया जाता है। अब पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव फॉर्म देखा जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव फॉर्म में डिड आगे आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएगा। अगर इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है तो डिड की जगह वॉज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही किया जाता है, सो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाय लगा के सब्जेक्ट पीछे जाएगा। इसमें क्वेश्चन मार्क चेंज नहीं होता, क्वेश्चन मार्क लगाना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही प्ले फुटबॉल, अगर इसका पैसिव वॉइस किया जाए तो वॉज डिड की जगह फुटबॉल ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वॉज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगेगा। पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका एफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वॉज वेयर एज इट इज रहेगा, आईएनजी की जगह बींग यूज होता है, BEING, बींग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और बाई के बाद सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल आगे आएगा, वॉज प्लेइंग का आईएनजी बींग हो जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखा जाए तो उसमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वॉज वेयर एज इट इज, नॉट जैसे कि वर्ब के आईएनजी का BEING बींग लग के और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट लगाया जाता है। का एग्जाम्पल देखें तो ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा, वॉज नॉट एज इट इज, प्लेइंग के आईएनजी का बींग हो जाएगा और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड,
बाय ही, इस तरह वैसे वॉइस बनाया जाता। अब पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो उसका एक्टिव फॉर्म वॉज वेयर आगे हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी होगा ही और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन मार्क मस्ट बी कंपलसरी। अब यदि इसका पैसिव फॉर्म बनाया जाए तो पैसिव फॉर्म में वॉज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, सिमिलरली आईएनजी का बीइंग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क मस्ट बी कंपलसरी। फॉर एग्जांपल, वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, तो वॉज फुटबॉल ऑब्जेक्ट आगे आएगा, बीइंग आईएनजी का बीइंग होगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों में ही लगेगा। नाउ वी कैन सी पास्ट परफेक्ट टेंस। इन पास्ट परफेक्ट टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अफर्मेटिव सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन वी मेक पैसिव, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही हैड प्लेड फुटबॉल, हियर फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट, फुटबॉल हैड बीइंग played by him, third form of play is played, we put been, pwn, and